मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद पूरे प्रदेश सहित झाबुआ जिले की सड़कों की भी जो दुर्दशा हुई है वो किसी से दबी छिपी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 50 से अधिक विधानसभा में 11,500 करोड़ की राशि सड़कों को दुरुस्त करने के लिए दी गई है, जिसमें झाबुआ जिला भी शामिल है। लेकिन लंबे समय से सड़कों के निर्माण और विस्तार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। जिले की अधिकांश सड़कें जो पेटलावद, मेघनगर, थांदला, राणापुर जैसे मुख्य शहरों को जिला मुख्यालय झाबुआ से जोड़ने वाली सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। वहीं कई बार सड़क लोक निर्माण विभाग को शिकायत करने पर किसी जिम्मेदारों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। विश्वास नहीं होता तो मेघनगर के इन युवाओं को ही देख लीजिए, जो निजी पैसों से परिश्रम कर आपस में मिलकर सड़क सुधार का काम करते नजर आ रहे हैं। खराब सड़कों से कई राहगीर नाराज नजर आ रहे हैं और सरकार से सड़कों को सुधार करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने पीडब्ल्यूडी अधिकारी से बात करनी चाही तो संबंधित अधिकारी ने गैर जिम्मेदार रवैया अख्तियार करते हुए कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हाँ, खड्डे हो गए, पानी भरा हुआ है, पर पानी भरा के कारण खड्डे दिखते भी नहीं है, उसके कारण गाड़ियों को भी नुकसान होता है, आने जाने में थोड़ा तकलीफ होता है। अब सुधार तो बहुत सालों से नहीं हो रहा, अभी क्या सुधार कर लेंगे यार। थानला से आ रहा हूँ मैं, लेकिन ये वाली अभी अभी बनाई है बहुत सालों बाद। उधर थानला से आगे जैसे फुलमाल से आगे तो बनी नहीं है वो वाली, उसको सुधारना चाहिए। 11,700 करोड़ रुपए के रोड बना दिए बोले, और रोड कहाँ बने? कांग्रेस जमाने रोड बने हुए सारे, आज खड्डे बड़े एक एक फीट के, वो भी पूरे नहीं कर रहे। वो कहते हमने रोड भी 11,000 करोड़ का दे दिया हमने, ये वो कहाँ गया पैसा? उसकी भी जांच, उच्च स्तरीय जांच पर